नमस्कार, मैं शीतल कौशेवाड़ी हिंगना वार्ता में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। वाड़ी में युवक कांग्रेस ने किया राम कदम का निषेध। भाजपा विधायक राम कदम ने दही हांडी के कार्यक्रम में एक विवादित बयान देकर राम शब्द का अपमान किया। राम जी ने महिलाओं की रक्षा की, लेकिन कलयुग के राम का महिलाओं के प्रति अलग कदम पड़ने से रोष व्याप्त हुआ। राम कदम ने अपने विवादित बयान में कहा है कि जिसे लड़की पसंद है उसके लिए लड़की भगा कर लाएंगे। इस बयान से पूरे राज्य में बवाल मचा है। ट्विटर के माध्यम से माफी तो मांगी, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। राम कदम के विरोध में वाड़ी युवा कांग्रेस ने जमकर निषेध किया। आइए आगे की रिपोर्ट में देखते हैं क्या कहते हैं युवा कांग्रेस नेता अश्विन बैस। राम कदम यांनी जी स्टेटमेंट दिली की तुमको जो लड़की पसंद आती है मेरे को बताओ, मैं उसको घर से उठा के लेकर आऊंगा। ये इसके बहन और इसके माँ बेटी और इसको लेकर आने को ना, इसने खुद ने जो लोगों के प्रति ये भावनाएं रख रहा है अपनी, अपने जो शब्द वापर रहा है कि तुमको जो लड़की पसंद आ रही है मैं उठा के लेकर आता हूँ, ये अपने माँ बाप अपने माँ बहन और बेटी को बताना चाहिए। इसने मेरे को उसकी बेटी पसंद है अपने बेटी को उठा के लेकर आएगा, कि उसकी बहन पसंद है अपने बहन को उठा के लेकर आएगा। अगर दम है तो उसने अपनी बहन और अपनी बेटी को उठा के लेकर आने को ना, मेरे लिए मेरे को उसकी बेटी पसंद है उसने अपनी बेटी को लेकर आने को ना। इसके पहले भी बीजेपी सरकार के कई नेता जानवे ने भी शेतकरियों के लिए गाली दिया था, तब भी दानवे के लिए हमने आंदोलन किए थे, लेकिन वो टाइम पे भी बीजेपी सरकार ने दानवे का आज तक इस्तीफा नहीं दिया और उसको आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसके ऊपर में। सेम वही चीज राम कदम से हम इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन राम कदम माफी मांगने से थोड़ी ना होता है। यानी तुम लोग पहले मर्डर कर दोगे और बोलेंगे बाद में माफी मांग दो तो मर्डर माफ हो जाएगा क्या? हाँ, यानी तुम बलात्कार कर लोगे और माफी मांगोगे तो हो गया क्या? इसके लिए हम राम कदम का निषेध करते हैं। और राम कदम सत्तेवर आलेली है, यांना एकदम सत्तेचा माज आलेला है, कोणी उठले सुटले काही स्टेटमेंट देऊन राहिलेला है, हे याच्यासमोर चालणार नाही आहे। आम्ही यासाठी वेळोवेळी वेळोवेळी आंदोलन करत राहू। राम कदम यांनी राजीनामा द्यायलाच पाहिजे असे वक्तव्य तर तो करत राहील, तर या देशाचं काय, तो या महाराष्ट्राचं काहीच तो म्हणजे कोणती सुधारणा करू शकत नाही काही तो। आप देख रहे थे सुभाष साक्षे की रिपोर्ट वाड़ी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।